ब्राह्मण के लिए अब बाह्य मुक्ता जहर की तरह है। अगर जिस ब्राह्मण ने इस बात को समझा है, ब्राह्मण के लिए बाह्य मुक्ता देहभान दैहिक दृष्टि जहर के समान है। अगर जिसने अपनी बुद्धि को खुद को इतना यदि समझाया, इतना अनुशासित किया है, खुद को समझाया है कि हे आत्मा, तेरे लिए है ना आत्मभिमानी स्थिति के बिना अलावा सब कुछ जहर है। जब तक खुद को समझाया है कि नहीं, पहले ही समझ खुद को ये ट्रेन किया है, मन बुद्धि को बताया है, पक्का किया है कि नहीं दैहिक दृष्टि तुम्हारे लिए जहर है, बाह्य मुक्ता तुम्हारे लिए जहर है, अब तुम्हारे लिए बाह्य मुक्ता अंतर्मुक्ता, बार बार अंतर्मुक्ता। बाबा कहते हैं कछुए को, जानवर को भी इतनी अकल है, जानवर को, उसको काम होता है तो कर्मेंद्रियों का यूज करता है, जब काम नहीं होता है तो कछुआ कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। एक जानवर को भी अकल है। आप देव आत्माओं को, ज्ञानी देव आत्माओं को काम है तो आंखों का काम लिया, हाथों का काम लिया, जब काम नहीं है चले गए अंदर अपनी यात्रा में बाबा के साथ, है ना। तो ये जब तक हमने खुद को समझाया नहीं, खुद को और आप सब गृहस्थ में हैं, परिवार में हैं, एक धारणा यदि आपकी नहीं है तो ना आप ज्ञानी बन सकते, ना आप योगी बन सकते, कुछ नहीं, नथिंग। जब तक आप ट्रस्टी नहीं बने, जब तक आपने सब कुछ तेरा अंदर से नहीं किया है, हमारा, मैं आपको बताऊं नेचुरल, मैं पता नहीं क्या था ये भावना शुरू से कि हम लोग जब घर में भी थे, घर में अगर आम दे दिया, जैसे आम की सीजन है, मान लो आम आ गया और ऐसे हाथ ऐसे गया है, पता चला अरे सेंटर पे तो आम भेजा नहीं, तो हाथ वापस, जब तक सेंटर पे फल नहीं गया है, जब तक सेंटर पे दूध और सब्जी नहीं गई है, तब तक हम कोई फल छूते नहीं थे। ये नेचुरल था, पता नहीं माना, ये बाबा ने ऐसी बुद्धि दी हुई थी कि जब तक सेंटर पे वो फल नहीं गया तब तक हम नहीं खा सकते।